नमस्कार, मैं राजकुमार अग्रवाल। आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव। हमारा मेट्रो लाइव में क्या है खास, आज आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात भी याद दिला देता हूँ, जो लोग इतिहास को भूल चुके हैं उन्हें याद इतिहास को दोबारा याद करना पड़ेगा। नहीं किया तो पतन आपका निश्चित है। एक नारा था बहुत पहले, मेरे जन्म से भी पहले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज उस पीढ़ी को हमने याद किया है। वो पीढ़ी नोएडा के धरातल पर, नोएडा की जमीन पर आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है, नाम बताइए। राजश्री चौधरी। राजश्री चौधरी क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी की पोती, पर पोती। ये नोएडा का नहीं, पूरे देश का सौभाग्य है कि आज उन सुभाष चंद्र बोस जी की पर पोती हमारे मध्य हैं। लेकिन पूरा देश उन्हें भूल चुका है। हम आपको भूलने नहीं देंगे, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने एक नई फिल्म की शुरुआत की है, चौरी चौरा। दो जगह का नाम है, चौरी अलग है, चौरा अलग है, लेकिन दोनों को जोड़ करके एक नाम बनाया गया, चौरी चौरा, यानी कि 1922 की याद करने वाले हैं। आप हमें बताइए, जो आपकी जो फिल्म बन रही है चौरी चौरा, आप उसमें क्या करने वाले हैं, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं देश को? संदेश यही देना चाहते हैं कि ये फिल्म को देखे और इतिहास को रिवाइव करे अपना मन के भीतर, और अपना पूर्वजों के ऊपर स्वाभिमान जगाए कि हम लोग विजयी रहे। विजय यात्रा में ये सब एक एक अंग है। विजय यात्रा जो हम लोग कभी जो आज़ादी का जो महक हम लोग मिल रहा है हम लोगों को, इसका कुर्बानी कई सालों से होते गया, और हमारा पूर्वजों ने कोई किसी का नाम लिया जाता है कि किसी का नहीं भी नाम लिया जाए, लेकिन उन लोग कोई स्वार्थ नहीं देखा। एक ही लक्ष्य था कि माँ भारती का छुटकारा देना ब्रिटिश रूल से, माँ भारती को अंग्रेजों के शोषण से, दमन से मुक्ति दिलाना, उन लोगों का नारा था। आज हम जो खुले में सांस ले रहे हैं, खुले में जो महसूस कर रहे हैं अपनी आज़ादी को, खुले आम कहीं भी बोल सकते हैं कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हिंदुस्तान का वासी हूँ, मैं आधार कार्ड का अधिकारी हूँ, वोटर कार्ड का। लेकिन उनमें सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्हें हम भुला चुके हैं। महात्मा गांधी भी एक नाम आता है, जो कहते हैं ना, बिना खड़क बिना ढाल। नहीं, ये बिल्कुल असत्य है। बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है, लाखों लोग मरे हैं, बिना कुर्बानी के हमें ये देश नहीं मिला है। ऐसे सुभाष चंद्र बोस की परपोती जी आज हमारे बीच में है। आप हमें बताइए कि आज आप नोएडा में आकर के चौरी चौरा फिल्म को जो लेकर के उपस्थित हुए हैं, आज हमें देश को क्या मैसेज देना चाहिए? हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि फिल्म टीम दे हैव डिसाइडेड टू हाईलाइट दिस इंसिडेंट, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी वंशज होने का नाते और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के साथ रहने के बाद हमारा यही महसूस हो रहा है, कम से कम हमारा देश का इतिहास को पुनरा इन लोग दोहरा रहे हैं। और फिल्म इज सच अ गुड मीडियम दैट पीपल विल कम टू नो द ट्रू हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। 100 साल पूरा होने के बाद आज हम इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या था हमारा इतिहास, क्या है हम। पूरे 100 साल, यानी कि 4 फरवरी 1922 के बाद हमें किसी ने ये साहस जुटाया है कि आप क्या थे, हम क्या हैं, और हमारे साथ कैसे कैसे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने जुल्म निभाए हैं, उनसे हमें कैसे कैसे मुक्ति मिली है। ये थी हमारे साथ में, आपका शुभ नाम फिर राजश्री, राजश्री चौधरी, जय हिंद। मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि ये जो फिल्म है, फिल्म नहीं है, आप इसको अपना इतिहास गर्व महसूस कीजिए, और इस फिल्म को आने के बाद में जरूर देखिए, जिसका नाम है प्रतिकार 1922। अगर सही में 75 साल आज़ादी का हम सभी को सेलिब्रेट करना है, क्रांतिकारियों के ऊपर हर एक फिल्म को देखना चाहिए और उन सभी को सुपरहिट करना चाहिए। यही हम सभी का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। यह हम सभी देश का जनता के प्रति हमारा ये आवेदन है। नमस्कार। कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात कही है आपने। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से ये कहना चाहूँगा, जो संघ का नारा है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आप सिर्फ अपना समय दीजिए और इस फिल्म को देखिए, इस फिल्म को आगे बढ़ाइए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी ये समझ सके, ये महसूस कर सके कि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई। इस आज़ादी का आनंद उठाना है तो इस फिल्म को देखने जरूर जाएं। मैं, हमारा मेट्रो के लिए राजकुमार अग्रवाल, नोएडा से।